हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे। और देखो, फिर से मैं क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन लेके आई हूँ। और देखने में जितना अजीब सा है, कुछ दिया ही नहीं हुआ, बस डायामीटर का रेशियो दिया हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। और ये कह रहा है जो इनके रेशियो होंगे, एरिया होंगे, उनका रेशियो निकालना है। तो मैं देखूँ तो मेरे पास जो है 3 रीज़न आ रहे हैं। फर्स्ट रीज़न, सेकेंड रीज़न, थर्ड रीज़न। इन तीनों रीज़न के एरिया का हमें रेशियो लेना है और डायामीटर का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं इनकी डायामीटर देखूं तो 1 अंदर फर्स्ट की होगी, 2 सेकेंड वाले की होगी, और 3 जो रेशियो है वो इसका होगा। तो हम डायामीटर का रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो लेट D1 हो जाएगी आपकी x, फर्स्ट रीजन की। D2 हो जाएगी आपकी 2x, और D3 हो जाएगी आपकी 3x, ठीक है, इस वाले रीजन की। तो R1 हो जाएगी आपकी, इसके अकॉर्डिंग आप R1 निकालोगे तो x/2, R2 निकालोगे तो x, ठीक है, 2x/2 यानी कि x, और R3 निकालोगे तो 3x/2। ये आ गई हमारी रेशियो। में तो कोई यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले मैं एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट निकालूंगी। तो एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, इसकी रेडियस पाई, रेडियस है R1, तो ये होगा क्योंकि हमारा सर्कल है। पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रेशियो लेना है, तो पाई कट जाएगा। R1 है आपका, R1 है x/2, यानी कि x/2 का स्क्वायर, यानी कि पाई x²/4। फर्स्ट रीजन का एरिया आ गया आपका। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन सेकेंड। अब देखो, जो मेरा रीजन सेकेंड है, वो सिर्फ इतना है। तो इसका एरिया क्या करेगा, इस वाले सर्कल में से, ठीक है, ये जो सेकंड वाला सर्कल है उसमें से आप ये वाला फर्स्ट सर्कल क्या करोगे, माइनस। तो जो मेरा एरिया ऑफ रीजन सेकंड बैठेगा, वो बैठेगा पाई R2² माइनस पाई R1², ठीक। पाई मैंने कॉमन ले लिया, R2 है मेरी x, और R1 है मेरा x²/4 आएगा पाई। इसके नीचे मानोगे आप 1, यानी कि एरिया क्या आएगा, 3x²/4, यानी कि कितना आया, 3π/4x² सेकेंड रीजन का आ गया। ऐसे हम थर्ड रीजन का निकालेंगे। तो जब हम थर्ड रीजन का निकालेंगे तो मैं इस बड़े वाले सर्कल में से, जो ये मुझे आउटर सर्कल दिखाई दे रहा है, उसमें से ये पूरा सर्कल जो मेरा सेकेंड सर्कल है उसका एरिया क्या कर दूंगी, माइनस, यानी कि पाई R3 - पाई R2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन थर्ड वो होगा पाई R3² - पाई R2², पाई कॉमन ले लो। जो मेरी R3 है वो है 3x/2, और जो R2 है वो है x π(9x²/4 - x²π). देखो, 9 और इसके नीचे 1, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 9 - 4 = 5, 5x²/4, यानी कि आया 5π/4x². पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी है क्योंकि मुझे तीनों का रेशियो लेना है, तो जो भी कॉमन होगा वो कट जाएगा। तो आइए तीनों का रेशियो लेते हैं। एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट रेशियो एरिया ऑफ रीजन सेकेंड रेशियो एरिया ऑफ रीजन थर्ड इज इक्वल टू, जो सेकेंड था मेरा, पाई x²/4। जो सेकेंड वाला था वो था 3π(x²/4), और जो मेरा थर्ड वाला था वो था 5π(x²/4).
जो तीनों में कॉमन है वो कट जाएगा, तो देखो पाई एक्स स्क्वायर बाय फोर, पाई एक्स स्क्वायर बाय फोर, पाई एक्स स्क्वायर बाय फोर इज कैंसिल आउट क्योंकि तीनों में कॉमन है। तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा थ्री और यहाँ बचेगा फाइव, और यही मेरा क्या है रिक्वायर्ड रेशियो है। जितना टिपिकल लग रहा था उतना था नहीं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।